तो यार कितनी सारी कंफ्यूजन रहती है ना, लाइक कौन सा फेशियल करूँ, ये वाला करूँ या ये वाला करूँ या ये वाला। फेशियल्स होते हैं लाइक एलोवेरा, VLCC, गोल्ड, डायमंड, फ्रूट, बहुत सारे फेशियल, कौन सा फेशियल करूँ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पल ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आपको भी इस टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है ना कि कौन सा फेशियल करूँ, गोल्ड फेशियल या लोटस या फिर ज़ारा फेशियल, बहुत सारे फेशियल ऐसे मार्केट में कौन कौन से फेशियल करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए आज यही सारी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, ये आप डिसाइड कर लीजिए अभी, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा फेशियल आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, देखो मेरे पास बहुत सारे फेशियल्स हैं, तो मैं बहुत सारी ऐसी फेशियल किट है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और आपको बता भी रहेंगे कि भाई कौन सा फेशियल कहाँ अच्छा रहता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप फेशियल कराने में इंटरेस्टेड हो तो। और मेरे हिसाब से तो सभी फेशियल कराते ही होंगे। हाँ, तो ये सारी फेशियल किट है, देख लो आप बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं, जैसा कि हम सभी लोग क्या कहते हैं, गोल्ड फेशियल कराएंगे, भाई नहीं भाई मैं तो लोटस कराऊंगी, नहीं मैं तो डायमंड कराऊंगी, ये सभी के मुंह से सुना होगा आपने। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फ्रूट फेशियल की। मेरे पास जो फ्रूट फेशियल है वो है ज़ारा, ठीक है। ये ज़ारा का फ्रूट फेशियल है, इसके अंदर 6 स्टेप होते हैं जो की काफी अट्रैक्टिव लुक देंगे। अब ये फ्रूट फेशियल करना किस, मतलब एक कंफ्यूजन भी ये भी रहती है ना कि यार फ्रूट फेशियल है, लोटस फेशियल है, तो करना किसको रहता है। ये तो हम सभी को पता है कि 18+ में फेशियल करते हैं, बट कौन सा फेशियल। तो 18+ में आप फेशियल कर सकते हो फ्रूट फेशियल, ठीक है। फ्रूट में बहुत सारी वैरायटी आती है, एलोवेरा में भी फ्रूट आता है, ठीक है, और अरोमा में भी फ्रूट आता है, लोटस में भी फ्रूट आता है, आपको पता नहीं होगा लेकिन आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ वो है ज़ारा, ज़ारा में फ्रूट। तो ज़ारा का जो फ्रूट फेशियल है वो काफी अट्रैक्टिव है, काफी अच्छा लुक देता है। इसमें आपको 6 स्टेप मिलेंगे, ठीक है, 6 स्टेप, और किसी किसी फेशियल में 7 स्टेप भी होता है, तो ये काफी अच्छा होता है। और इस फेशियल का जो बेनिफिट है वो ये है कि 18+ वाले से कर सकते हैं, और अगर कोई टीनेजर है तो वो भी फ्रूट फेशियल कर सकता है, काफी अच्छा लुक आता है। ये जो फेशियल होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के हल्के फुल्के टैनिंग हो रखी है, लाइक कोई फर्स्ट टाइम करा रहा है तो भी आप इसे दे सकते हो 18+ वालों को, ओके। और कोई सेकंड टाइम करा रहा है, लाइक किसी की स्किन पे बहुत ज्यादा धूल मट्टी नहीं है, बहुत ज्यादा टैनिंग नहीं है, हल्की फुल्की टैनिंग है, तो उसको भी आप फ्रूट फेशियल दे सकते हो, ठीक है। फ्रूट फेशियल कौन सी स्किन पे करनी है, ये फ्रूट फेशियल आप किसी भी स्किन पे कर सकते हो, बस जरूरत है आपके स्टेप कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फ्रूट फेशियल है, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी को भी कर रहे हो तो हमारा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई मतलब एक एज से स्टार्टिंग तो पता चल गई कि 18 से करनी है, लास्ट एज कौन सी है कि कौन सी एज वालों को हम कर सकते हैं। तो 18 से 25 तक की जो भी एज होगी उसमें आप फ्रूट फेशियल दे सकते हो, ओके। आपको ये भी देखना है कि टैनिंग कितनी ज्यादा है, अगर आपको लगता है टैनिंग बहुत ज्यादा है तो आपको थोड़ा हार्ड फेशियल देखना चाहिए जिसमें स्क्रब वगैरह हार्ड हो, नहीं तो फिर आप डिटेन ले सकते हो, डिटेन भी काफी अच्छा फेशियल होता है। हमारा लोटस, आई होप इस फेशियल को तो हर कोई जानता ही होगा, काफी जान पहचान है इस फेशियल की सभी लोगों से। तो जो लोटस फेशियल है ये डायमंड में है लोटस फेशियल, और ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है। ये आप 25+ से 30+ में भी कर सकते हो, ये अट्रैक्टिव लुक देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों को भी आप दे रहे हो, जो भी आपके क्लाइंट है, उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा टैनिंग नहीं होनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो डायमंड फेशियल है ना, ये हल्के फुल्के टैनिंग के लिए किया जाता है, ओके। जैसा कि फ्रूट फेशियल में भी यही सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर थोड़ा सा भी मतलब एक्स्ट्रा में टैन हो रहा है ना, थोड़ा ज्यादा टैन हो रहा है, तो आप कर सकते हो। और कौन सी स्किन वालों को करोगे, देखो जिन लोगों का कलर थोड़ा सा डार्क होता है उन लोगों को आप लोटस का डायमंड कर सकते हो, या फिर डायमंड में कोई भी कंपनी वाले फेशियल कर सकते हो आप, लाइक VLCC में डायमंड आता है, अरोमा में डायमंड आता है, और आपके डिटेन में भी डायमंड आता है, तो इस टाइप के आप फेशियल उन लोगों को दे सकते हो। लोटस में आपको जो स्टेप मिलेंगे वो 5 स्टेप होंगे, सबसे पहले होगा क्लींजर, दूसरा होगा स्क्रब, तीसरा होगा क्रीम, और चौथा जो होगा वो होगा जेल, और फिफ्थ वन होगा पैक, ओके। और किसी किसी फेशियल में आपको जेल भी मिल जाएगा, जेल मींस आपको सीरम भी मिल जाएगा लास्ट में, ओके। तो सीरम अगर आपकी फेशियल किट के साथ नहीं आता है तो आपको अलग से रखना चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को एक अच्छी प्रॉपर सर्विस दे सको, ओके। तो यहाँ पे ये था हमारा लोटस फेशियल का। अब मैं आपको बताऊंगी गोल्ड फेशियल जैसा कि ज्यादातर लोग कराते हैं, और पहले के टाइम के जो लोग थे ना, मैं पहले के टाइम के तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि कौन सा फेशियल किसको कराना चाहिए, या फिर उनकी स्किन के लिए कौन से फेशियल अच्छे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी
गोल्ड फेशियल की। मेरे पार्लर में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई गोल्ड फेशियल कर दो, मतलब जिन लोगों को करना है वो भी, जिन लोगों को नहीं पता कि भाई उनकी स्किन कलर कौन सा अच्छा है वो भी ये कहते हैं कि भाई गोल्ड कर दो। तो सबसे बड़ी बात है आपको पता होना चाहिए कि आपका जो गोल्ड फेशियल है वो कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये जो गोल्ड फेशियल है, ये गोल्ड फेशियल उन लोगों पे किया जाता है जिन लोगों की स्किन पहले से ही फेयर कॉम्प्लेक्स है, उनका चेहरा जो है व्हाइट है लेकिन उनको हल्की सी शाइनिंग चाहिए, बहुत ज्यादा टैनिंग नहीं है, आप ऐसी स्किन वालों को गोल्ड कर सकते हो। गोल्ड फेशियल का काम क्या होता है? गोल्ड फेशियल का काम होता है आपकी स्किन को शाइन करना, आपकी स्किन को मीन्स ग्लोइंग करना, ठीक है, ये होता है गोल्ड फेशियल का काम। और जब भी आप गोल्ड फेशियल करते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है, और इस तरह से ग्लो करती है कि काफी अच्छा और ऐसे ब्लश टाइप में लुक आता है, ठीक है। तो गोल्ड फेशियल भी कई कैटेगरी के होते हैं, कई कंपनियों में भी आते हैं गोल्ड फेशियल। कंपनियां तो बहुत सारी अनगिनत कंपनियां हैं जिसमें गोल्ड फेशियल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक की बात करते हो तो मैं बात करूंगी गोल्ड फेशियल की, कि लोटस का भी गोल्ड अच्छा है, VLCC का भी गोल्ड अच्छा है, और अगर आप व्हाइटनिंग के पर्पज से करोगे तो डायमंड का अच्छा है, ठीक है। तो मैंने ये आपको गोल्ड फेशियल के बारे में बताते, आई होप आपको समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि हर किसी के लिए गोल्ड किसी के गोल्ड की। तो VLCC का जो गोल्ड है ये पार्लर पैक है, इसलिए बड़ी किट है, आप चाहो तो छोटी किट भी ले सकते हो, मार्केट में छोटी किट भी अवेलेबल है। और इसमें आपको दिखाया जाएगा कि मीन्स स्टेप कितने हैं, देखो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, इसमें 5 स्टेप, अगर आपको यहाँ पे ढंग से दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है, इसमें 5 स्टेप दिए गए हैं और जो कि काफी अच्छे और काफी इसमें अच्छे से लुक आता है। तो इसको करने का भी वही सेम तरीका है कि आपको देखना है कि आप जब ये फेशियल करो ना तो जिसको भी आप कर रहे हो उनकी जो स्किन टोन होना चाहिए वो थोड़ा सा व्हाइट में होनी चाहिए, स्किन उनकी फेयर होनी चाहिए, कलर जो है फेयर होना चाहिए, तभी आप उनको गोल्ड फेशियल दे सकते हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया सेम प्रोसेसिंग है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने स्टेप का कि आप स्टेप किस तरह से कर रहे हो, अगर आपके स्टेप अच्छे हैं तो डेफिनेटली ग्लो आएगा ही आएगा। अब थर्ड वन मैं बात कर लेती हूँ एलोवेरा में पपाया फेशियल, ये है मेरा एलोवेरा में पपाया, इसमें भी आपको मिल जाएंगे 5 स्टेप होंगे इसमें भी, ठीक है। देखो इसमें भी आपको 5 स्टेप मिलेंगे और ये भी काफी अच्छा लुक देता है, जैसे कि एलोवेरा बाय द वे हर किसी को सूट नहीं होता है, हर किसी को मतलब ये अच्छा भी नहीं लगता है, तो जिन लोगों को नहीं है किसी को एलोवेरा से एलर्जी भी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट को इस टाइप के फेशियल से कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। एलोवेरा जो फेशियल है वो आप किसको दे सकते हो? एलोवेरा जो फेशियल है वो आप जो टीनेजर होते हैं ना उनको दे सकते हो, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 15 प्लस वालों को भी दे सकते हो, जिन लोगों की एज 15 प्लस है उसमें भी दे सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा हर्बल में आ जाता है। इसलिए बाय द वे मैं यही कहूंगी कि 15 वालों को जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों की स्किन इतनी अच्छी होती है कि उनको फेशियल की नीड ही नहीं पड़ती। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप क्लीनअप कर लीजिए, क्लीनअप सबसे बेस्ट होता है। तो अब बात करती हूँ मैं क्लीनअप की, तो क्लीनअप कौन सा बेस्ट है? देखो मैं अपने पार्लर में जो भी क्लीनअप करती हूँ वो कोई मैंने अलग से डब्बे नहीं रख रखे क्लीनअप के, मैं क्या करती हूँ इन्हीं में से, ये जो मेरी फेशियल किट होती है इन्हीं में से मैं स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल क्लीनअप करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है क्लीनअप में, क्लीन में अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि क्लीनअप में कौन कौन से स्टेप किया जाता है। आता है हमारा स्क्रब, दूसरा आता है हमारी क्लीन, थर्ड आता है हमारा पैक, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्लीनअप वाला भी हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है देखो वो आती है पिगमेंटेशन, जिन लोगों के झाइयां हैं बहुत सारी वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, भाई हम कौन सा फेशियल कराएं, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा सिरदर्दी रहती है। तो ऐसे लोगों को मैं एक फेशियल बताती हूँ जो कि है डीटेन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, कंफ्यूजन है कि भाई उन लोगों के पिगमेंटेशन है, झाइयां वगैरह बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, कौन सा फेशियल कराएं। देखो मुझे पता है आप सभी लोगों ने बहुत सारी चीजें करके देख ली, लेकिन आप भी आप पिगमेंटेशन से परेशान हो। अब काफी लोग ये भी कहते हैं कि भाई सॉरी कि भाई क्रीम वगैरह अप्लाई करो और उससे पिगमेंटेशन आपकी चली जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, कुछ टाइम में फिर से आ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक परमानेंट इलाज बताऊंगी, आप ऐसे चीजों के लिए यूज कर सकते हो डीटेन। डीटेन एक ऐसा फेशियल होता है जिससे कि आपकी जो टैनिंग है वो सारी रिमूव हो जाती है, एक बार में रिमूव नहीं होगी। मैं किसी भी टाइप के आपसे झूठे वादे नहीं करूंगी, झूठे प्रॉमिस नहीं करूंगी, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप डीटेन कराते हो तो आपको डे बाय डे आपको रिजल्ट नजर आएगा, और एक से दो बार आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि उसका रिजल्ट कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ऑक्सी डिटेन। डिटेन आपको कई कैटेगरी के मिल जाएंगे और काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, और इसमें डिटेन में आपको बहुत सारी कंपनी भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास डिटेन है और मैं इसका स्क्रब भी दिखा देती हूँ, मेरे पास स्क्रब है वेलरोमा का, और इसका स्क्रब भी काफी अच्छा है, काफी इसमें दरदरापन होता है तो काफी अच्छे से इसमें मसाज भी होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टेप किस तरह से किए जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है स्टेप किस तरह से किए जाते हैं तो आप जाके हमारी वीडियो को देखिए, फुल वॉच जरूर कीजिए, आपको पता चलेगा। अब
मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फुल किट। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास है O3 की किट है मेरे पास, ठीक है, जिसमें मैंने दिखा रखा है कि फुल फेशियल डिटेन का कैसे किया जाता है। तो अगर आप अपने पिगमेंटेशन से, आप अपने डार्क सर्कल से परेशान है तो आप डिटेन फेशियल करा सकते हो, काफी अच्छा है। अगर ये आपके बजट में नहीं है, वैसे ये एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, आपको ज्यादा ये 700-500 में भी मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें एक्सपेंसिव लगता है बहुत सारे लोगों को, तो आप इसमें क्लीन अप करा सकते हो, क्लीन अप भी काफी अच्छा है। लेकिन अगर आपके पिगमेंटेशन कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा टैनिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको फेशियल ही कराना चाहिए। आई होप यहाँ तक भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, जो भी वीडियो में समझाया समझ आ गया होगा। अगर आपको फेशियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझसे आस्क कीजिए, मुझसे बोलिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सा फेशियल। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और मैं अपने सेशन में, अपने चैनल में लाइव आती रहती हूँ, तो आप वहां पे भी जाके क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप जो भी मैंने आपको बताया वो समझ आया होगा और वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।